பதிம் மாதையே. सुंदर प्रस्तुति, धन्यवाद करते हैं राखी राय मैम. एसपी बाल सुब्रमण्यम गारू ने गाया है, मुझे आप सबका आशीर्वाद चाहिए. शंकरा चार जून 1946 स्थान कोनेटम पेटा नगरी नेल्लोर आंध्र प्रदेश. ये वही जगह है जहां एक बच्चे का जन्म हुआ जो दिखने में सामान्य सा प्रतीत होता था, परंतु कौन जानता था यह बच्चा एक दिन अद्वितीय विद्याओं का स्वामी होगा, जिसका नाम होगा श्रीपति पंडित राध्यलु बालसुब्रमण्यम. सामान्य परिवार के साथ साथ माता पिता एवं भाई बहन सभी का सामान्य जीवन शैली था, परंतु उनके पिता उस दौर के सबसे सफल एवं उत्कृष्ट हरिकथा वाचक थे. ये बात बालू को बहुत प्रभावित करती थी. मेरे रंग में रंगने वाली परी हो या परियों की रानी या
क्या हो मेरी प्रेम कहानी, मेरे सवालों का जवाब दो। एसपी बाला सुब्रमण्यम बचपन से ही सपना था कि वे इंजीनियर बने। उनका सपना था कि वह इंजीनियरिंग करके अपने परिवार की जिम्मेदारी उठाए। इसके लिए एसपी बाला सुब्रमण्यम ने आंध्र प्रदेश की अनंतपुर की जवाहरलाल नेहरू टेक्नोलॉजी यूनिवर्सिटी में दाखिला भी ले लिया था, लेकिन समय को कुछ और ही मंजूर था। इंजीनियरिंग की पढ़ाई के दौरान एसपी बाला सुब्रमण्यम की तबीयत इतनी खराब हो गई कि उन्हें पढ़ाई बीच में ही छोड़नी पड़ी। उन्हें गाना गाने का बहुत शौक था, वे संगीत की शिक्षा भी ले रहे थे। रेगुलर पढ़ाई छोड़ने के बाद भी एसपी बाला सुब्रमण्यम संगीत की शिक्षा लेते रहे। एसपी बाला सुब्रमण्यम को साल 1964 में एमेच्योर गायक के तौर पर एक कॉम्पिटिशन में पहला इनाम मिला। तुमसे मिलने की तमन्ना है, प्यार का इरादा है और एक वादा है जानम, जो कभी हम मिले तो जमाना देखेगा अपना प्यार, ओ मेरे यार। इसके बाद एसपी बाला सुब्रमण्यम ने गायकी के क्षेत्र में ही अपना कैरियर आगे बढ़ाने का फैसला लिया। एसपी बाला सुब्रमण्यम ने साल 1966 में मात्र 20 साल की उम्र में अपने गुरु कोदंडपानी द्वारा बनाई गई फिल्म में गाना गाकर अपने कैरियर की शुरुआत की थी। पहला पहला प्यार है, पहली पहली बार है, पहला पहला प्यार है, पहली पहली बार है। शुरू से ही बालूजी आदरणीय मोहम्मद रफी जी के बहुत से गाने गुनगुनाते, सुनते एवं उन्हें अत्यधिक पसंद करते थे। उन्होंने एक बार एक साक्षात्कार में यह कहा था कि काश मैं रफी जी के यहाँ एक दिन के लिए नौकरी भी कर लेता तो मैं अपने आप को बहुत भाग्यशाली समझता। उनकी पहली फिल्म 1966 में श्री 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 मर्यादा रामन्ना में उन्हें गाने का मौका मिला और संगीत का सफर उनका वहीं से प्रारंभ हुआ। सीने संगीत का ये वो संक्रमण काल था जब मुकेश और मोहम्मद रफी के रूप में दो स्वर्गिक आवाजें इस फानी दुनिया से रुखसत हो चुकी थी। किशोर कुमार को लोग खूब सुन चुके थे और किसी नए अंदाज वाले स्वर का इंतजार था। सच मेरे यार है, बस वही प्यार है। तभी एसपी बाला सुब्रमण्यम ने, जो दक्षिण भारत की फिल्मों में डेढ़ दशक से गा रहे थे, हिंदी सीने जगत में अपने एकदम अलग बनावट और खनकदार आवाज के साथ दस्तक देकर सभी को चौंका दिया। बॉलीवुड में एसपीबी की एंट्री इतनी धमाकेदार थी कि पहली ही फिल्म एक दूजे के लिए में पार्श्व गायन के लिए उन्हें सर्वश्रेष्ठ पुरुष सिंगर का राष्ट्रीय पुरस्कार मिला। निर्माता के बालचंद्रा की इस फिल्म में एक अलग तरह की मोरपंखी प्रेम कथा थी। इसमें संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का था। कहते हैं कि लक्ष्मीकांत प्यारेलाल एसपीबी की आवाज लेने को लेकर बहुत उत्सुक नहीं थे, लेकिन निर्माता के आग्रह पर उन्हें एसपी को मौका दिया। दशक 70 एवं 80 के दौरान बालूजी एक सफल गायक के रूप में अपना स्थान बना चुके थे। उन्होंने कई भाषाओं में जैसे तेलुगु, तमिल, केरल, कन्नड़, उड़िया, हिंदी, संस्कृत सहित बहुत सी भाषाओं के संगीत में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया और दिल को छू जाने वाली देशभक्ति तथा भक्ति गाने गाए, जिसे गुनगुनाने मात्र से मन प्रफुल्लित एवं गदगद हो जाता है। बालूजी उस दौर में जितने भी रियलिटी शो के जज बने, उन्होंने सभी प्रतियोगियों को सही मार्गदर्शन के साथ साथ गुरु रूपी शिक्षा भी प्रदान किए, जिसके कारण वर्तमान में सैकड़ों गायक आज इस क्षेत्र में अपना मुकाम बना चुके हैं। ऐसे महान शख्सियत के बारे में हम जितना वर्णन करें वह सूक्ष्म है। संगीत के दिग्गज बाला सुब्रमण्यम ने कन्नड़ संगीतकार उपेंद्र कुमार के लिए 12 घंटे में 21 गाने गाने का रिकॉर्ड भी बनाया था। उन्होंने कथित तौर पर एक दिन में 19 तमिल गाने और एक दिन में 16 गाने हिंदी में भी रिकॉर्ड किए हैं।
मोहम्मद रफी के गानों से प्रभावित बाला सुब्रमण्यम ने हजारों सदाबहार गाने गाए। सभी तरह के गानों को उन्होंने अपनी आवाज दी, चाहे खुशी के हो या दर्द भरे नगमे। बालचंद्र की फिल्म मन मधा लीला में बाल सुब्रमण्यम ने डबिंग की थी, जो फिल्म मन माथा लीलाई का डब किया हुआ तेलुगु संस्करण है। फिल्म में उन्होंने कमल हसन के लिए आवाज दी थी। बाला सुब्रमण्यम ने अनिल कपूर, गिरीश कन्नड़, रजनीकांत, नागेश सहित अन्य अभिनेताओं के लिए भी वॉइस ओवर किए। दशावतार के तेलुगु संस्करण के लिए उन्होंने कमल हसन द्वारा निभाए गए 10 में से 7 पात्रों के लिए वॉइस ओवर किया था। आखिरकार वह समय भी आया जब इस सरस्वती पुत्र को देश का सर्वोच्च सम्मान दिया जाना था। उन्होंने अपने जीवन में 40,000 से भी ज्यादा गाने गाए। वह अपने जीवन में गायन के साथ साथ एक सफल अभिनेता एवं निर्देशक भी रहे। उन्होंने डबिंग आर्टिस्ट के रूप में भी दक्षिण एवं हिंदी सिनेमा के कई कलाकारों को अपना आवाज दी। यदि बात करें उनके मिले सम्मानों का, तो 6 राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार, 6 राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार दक्षिण भारतीय सिनेमा के लिए एवं अन्य पुरस्कार 116 बार उन्हें सम्मानित किया गया, जिसमें सर्वोच्च सम्मान 2021 पद्म श्री एवं 2011 में पद्म भूषण भारत सरकार द्वारा दिया गया तथा 2021 में पद्म भूषण उनके मरणोपरांत दिया गया। बालू जी का जीवन पूर्ण रूप से संगीत में रहा। उन्होंने अपनी संगीत की शिक्षा के साथ साथ अपने संस्कार अपने बच्चों को भी दिए। उनकी आवाज के साथ साथ उनके पुत्र एवं पुत्री का भी गायन के क्षेत्र में एक अच्छा नाम है। अगर उनके पुत्र की आवाज को सुना जाए तो ऐसा विश्वास होता है कि आज भी बालूजी की आवाज हमारे बीच उपस्थित है। आखिरकार वो काल रूपी दिन भी आया जब पूरा देश कोरोना महामारी से जूझ रहा था और बालूजी एक बार पीड़ित होकर स्वस्थ होकर घर आ गए थे। लेकिन काल रूपी इस कोरोना ने बालूजी की सांसों पर ऐसा प्रतिबंध लगाया कि वह पुण्य आत्मा अपनी भौतिक शरीर को छोड़कर पंच महाभूत में विलीन हो गई। అలసితి సలసితి ఇంతటని శరణిదే చొచ్చితిని అంతర్యామి। कहते हैं यदि आत्मा अमर है तो वह आज हमारे साथ अवश्य है। धन्य है वो धरती जहाँ बालूजी का जन्म हुआ। धन्य है वो माँ जिन्होंने उन्हें जन्म दिया। धन्य है वो पिता जो प्रेरणा बने। धन्य है वो भाई बहन जिनका आशीर्वाद एवं शुभकामना सदा शक्ति प्रदान करते रही। धन्य है वो पत्नी जो हर सुख दुख में संबल देती रही। और धन्य है वो पुत्र पुत्री जिन्होंने अपने महान पिता की महानता का आन रखे। ऐसे सरस्वती पुत्र जिनकी आवाज के लाखों प्रशंसक करोड़ों प्रशंसक हैं, जिनकी आवाज को सुनकर आज कई कलाकार अपनी कला की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं, ऐसे सरस्वती पुत्र को हमारे बोंगूस एंटरटेनमेंट्स की ओर से भावपूर्ण श्रद्धांजलि और नमन है। पुरुषोत्तमा
कहा था तूने जुदा ना होंगे हम, दिल ना मारे जाने तू है कहाँ। Shabari dharari ri dara 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 तेरी बाह में गुजरे जमाना दीवानी दीवाना अनजाना साना तुम जो मिले दिल कहा तेरी बाह क्यों ये चांद सितारे तकते हैं यूं मुखड़े को तुम्हारे बोलो ना क्यों ये चांद सितारे तकते हैं यूं मुखड़े को तुम्हारे छूके बदन को हवा क्यों महकी राती है क्यों महकी महकी मेरे सवाल जवाब दो मेरे रंग में रंगने वाली परी हो या हो परियों की रानी या हो मेरी प्रेम कहानी मेरे सवाल आए हुए सभी अतिथियों का बोंगूज एंटरटेनमेंट हार्दिक स्वागत करता है। सौभाग्य की बात है कि आज हमारे बीच ऐसे ऐसे गेस्ट आए हैं जो संगीत को समझते हैं, जानते हैं, ऐसे लोग जिन्होंने संगीत को छत्तीसगढ़ में एक दिशा दी, उन सभी का आशीर्वाद आज हमको मिल रहा है, ये हमारा सौभाग्य है। एसपी बालासुब्रमण्यम जी की प्रथम पुण्यतिथि पर ये पहला कार्यक्रम पूरे छत्तीसगढ़ में मेरे ख्याल से पहली पुण्यतिथि मनाई जा रही है और जितने भी यहाँ ऑडियंस बैठे हैं सभी संगीत प्रेमी, सभी संगीत प्रेमियों को मेरा हार्दिक स्वागत है, हमारी संस्था की ओर से हार्दिक स्वागत है। हमारे बीच आदरणीय प्रभंजय चतुर्वेदी जी, आदरणीय कीर्ति व्यास जी, आदरणीय एस सेवलेकर जी, आदरणीय अरविंदर खुराना जी
आदरणीय पवन केसवानी जी, आदरणीय दिवेंद्र हल्दर जी, आदरणीय राजीव गोपीनाथ जी, सचिव रोटरी क्लब भिलाई के, आदरणीय वीरेंद्र सतपति जी, आदरणीय ए राजश्री जी, आदरणीय विनय पीताम्बरन जी का हम हार्दिक स्वागत करते हैं और कार्यक्रम को निरंतर चलाते रहेंगे। चूंकि ये संगीत संध्या है तो हम हर कोई यहाँ संगीत को सुनने आए हैं, तो बीच बीच में मेरे माध्यम से आप एक छोटे छोटे इंसिडेंट्स जो थे जो एसपी बालसुब्रमण्यम के जीवन में चले, उन्होंने इंटरव्यू के दौरान कहा, उसको हम चर्चा में लाते रहेंगे। लेकिन लगातार संगीत की प्रस्तुति चलते रहेगी और मैं जोरदार तालियां चाहूंगा हमारे कलाकारों के लिए। और एक बात कहना चाहूंगा और इस शो में बार बार कहूंगा कि जो पीछे म्यूजिशियंस बैठे हुए हैं उनका हमारी संस्था इसलिए आभार करती है कि इन्होंने केवल 4 से 5 दिनों में ये पूरे गाने घर में बिना सोए दिन रात जग कर इस गाने को तैयार किया। इनके लिए जोरदार तालियां। और हमारे साथ भिलाई के जितने भी कलाकार जुड़े हैं जिन्होंने इस कार्यक्रम में अपना भाग लिया, अपना समय दिया और जो संगीत को समझे और इस कार्यक्रम में प्रवेश किए, उनका भी हम स्वागत करते हैं, धन्यवाद करते हैं। तो लीजिए अगली प्रस्तुति आपके लिए। अब हम निरंतर मिलते रहेंगे बीच बीच में एसपी बालसुब्रमण्यम के छोटे छोटे इंसिडेंट के लिए, लेकिन संगीत इंपॉर्टेंट है तो गाने सुनते चले। थैंक यू। जाए
सजा तो फूलों की खिलने का वक्त यही है मिलने का, तो फूलों की खिलने का वक्त यही है मिलने का। आजा मिल दे आज मिटा दे, आजा मिल दे आज मिटा दे थोड़ी सी ये दूरी। हर शाम लगे सिंदूरी आके तेरी बाहों में, हर शाम लगे सिंदूरी। मेरे मन को महकाए, मेरे मन को महकाए तेरे मन सिंदूरी। एक छोटा सा इंसिडेंट है कमल हसन के साथ, जब एसपी बालसुब्रमण्यम जी ने 30,000 से ज्यादा गीत गा लिए तो कमल हसन जी ने कहा, सर आपने जो 30,000 प्लस गाने गाए हैं क्या हम इसको अनाउंस नहीं कर सकते क्योंकि आपने रिकॉर्ड को तोड़ा है। तो एसपी जी ने एक ही बात कहा कि रिकॉर्ड तोड़े नहीं जाते, रिकॉर्ड बनाए जाते हैं। मैं केवल अपने रिकॉर्ड बनाने में लगा हूं और तोड़ने की बात नहीं हो सकती। ऐसे 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 महान कलाकार जिन्होंने भारतीय जगत को संगीत दिया गीतों के माध्यम से। एक बात और है कि जब ये गीतों को गाते थे संगीत सीखे नहीं हुए थे, लेकिन फिर भी जब क्लासिकल सिंग्स गाते थे, गाने गाते थे, ऐसा लगता था कि पूरा क्लासिकलपन गायकी उनके अंदर समा गई है। ऐसे कलाकार को हम नमन करते हैं, उनका आशीर्वाद भिलाई के हजारों कलाकारों के बीच है। आज जितने कलाकार यहाँ पर अपनी प्रस्तुति दे रहे हैं किसी ना किसी प्रकार से वो एसपी बालसुब्रमण्यम को सुने हैं। मैं बात करता हूँ श्रीनु भाई की। कोरोना काल के समय जब उनका निधन हुआ तो इन्होंने 5 से 6 दिन के लिए अपने मोबाइल बंद कर दिया था। हम लोगों ने उस साल एक ट्रिब्यूट किया था 2021 में एसपी जी को लेकर के एक लाइव शो। मैंने देखा कि कोई कलाकार जो किसी को चाहता है, उनका फैन होता है, तो उसके आंसू कैसे होते हैं, मैंने महसूस किया सीनू के रूप में। तो मैंने उसी समय निर्णय किया ये जो पूरा कार्यक्रम हो रहा है ये तो हमारी संस्था कर रही है, लेकिन इसका सबसे बड़ा हकदार श्रीनिवास जी हैं जिनके कारण ये कार्यक्रम को हम कर रहे हैं। उनकी भावनाओं को हम यहाँ प्रस्तुत कर रहे हैं। उनका उन्होंने अपने जीवन में चाहे उनके बच्चे, उनकी शादी या उनके परिवार का पालन पोषण उनके गाए हुए गीतों, उनकी आवाज के माध्यम से आज तक जी रहे हैं, वो उनको इतना नमन करते हैं। तो एक दोस्त के नाते इस कार्यक्रम को हम कंटिन्यू कर रहे हैं। ऐसे ही प्रस्तुतियां आपके बीच लेके आते रहेंगे जोरदार तालियों के बीच अगले संगीत के लिए। ये वक्त ना खो जाए बस आज ये हो जाए, मैं तुम मैं समा जाओ, तू मुझ में समा जाओ, मैं तुम मैं समा जाओ, तुम मुझ में समा
मौसम पर छा जाओ बीच हमारे अतिथिगण बैठे हुए हैं। मैं उनसे अनुरोध करता हूं केवल एक दो गीत और उसके पश्चात हमारा सम्मान का कार्यक्रम है, क्योंकि हमारे अतिथियों के बीच कुछ ऐसे भी लोग हैं जो 70-80 पार के हैं, तबीयत थोड़ी सी खराब है, तो हम चाहेंगे बस दो गीत और उसके पश्चात आपको रिलीज करेंगे यहां से। प्रस्तुतियां कंटिन्यू चलते रहे, उसके पश्चात हम बातचीत का पल तो करते रहेंगे, क्योंकि हमारे बीच जो कुछ अतिथियां बैठे हुए हैं, प्रभंजय जी भी बैठे हुए हैं, उन्हें किसी कारणवश बीएसपी के कार्यक्रमों में जाना पड़ेगा। तो मैं चाह रहा हूं गीतों का जो सिलसिला है उसको कंटिन्यू रखें और एंजॉय कीजिए आप। Yeah.
दीवानी दीवानी दीवाना तेरा हो गया। दीवानी दीवानी दीवाना तेरा हो गया। जल से तू दिल में समाई, जल से तू दिल में समाई। दीवानी दीवाना तेरा हो गया। आई तेरी बात
सुंदर प्रस्तुति। आज किस कार्यक्रम में विशेष सहयोग और मेरे दोस्त एस सजीव जी का भी धन्यवाद करता हूं। मेरे ख्याल से यहीं कहीं बैठे होंगे एस सजीव जी, पूरे कार्यक्रम में हर तरीके से भिड़े रहे। उनके परिवार और हमारे दोस्त सजीव जी को मैं धन्यवाद देता हूं, क्योंकि उनका आज मंच का नहीं, नीचे जितने गेस्ट हैं उनके उनके लिए वो अपॉइंटेड थे। तो सजीव सर का भी धन्यवाद करता हूं। जब ये कार्यक्रम हम लोगों ने प्रारंभ किया तो हमारी लिस्ट बनना चालू हुई कि कौन से कलाकारों को लिया जाए। तो हम कुछ ऐसे कलाकार जो पूरे छत्तीसगढ़ में अपने नाम का परचम फैलाए थे, हमको लग रहा था वो गाएंगे कि नहीं, आ पाएंगे कि नहीं। उनमें से एक ऐसे शख्सियत हैं जो डिसिपल ऑफ प्रोफेसर डॉक्टर पी उन्नीकृष्णन जी के, उनके बारे में अगर बताऊं तो बहुत सब चीजें कम पड़ेंगी। ईयर एंड दूरदर्शन आर्टिस्ट रह चुके हैं, गिनीज बुक वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर इन भजन सिंगिंग, मेरी आवाज सुनो मेगा फाइनलिस्ट रह चुके हैं, इंटरनेशनल परफॉर्मेंस एट बेल्जियम रोमानिया एंड पेरिस, ऑनर्ड विद संगीत भूषण तलत महमूद नेशनल अवार्ड, गाना सुधा प्लेबैक सिंगिंग इन सीजी फिल्म्स एंड एल्बम्स, और बीएसपी के सीनियर आर्टिस्ट ऑफिशियल रहे हैं। ऐसे सक्सेस से जब हमारी बातचीत हुई और जब इन्होंने हामी भरा तो मुझे लगा कि उसी दिन हमारा कार्यक्रम करना सार्थक है। तो ऐसे ही दिग्गज कलाकारों को समावेश करके फूलों का एक गुलदस्ता बना है जो आपके बीच प्रस्तुत हो रहा है। तो मैं अगली प्रस्तुति के लिए रिस्पेक्टेड लोगों को बुलाना चाहूंगा। जोरदार तालियां बजनी चाहिए इस शख्सियत के लिए। हुस्न की बिजलियां तेरे गालों पे, जुल्फ की बदलियां तेरे दामन की खुशबू से बहके, चमन संगे मरमर के जैसा ये तेरा बदन। हसी वादियां के खुला आसमां आ गई हम कहां है मेरी साजना। सजनी ये जन्मों का साथ है
में दिल की कली हिल गई। मुझको तुम जो मिले है खुशी में, ये हंसी वादियां के खुला आसमां। आ गए हम कहां है मेरी सजना। बहुत सुंदर प्रस्तुति। आपको बता दें, एक अनुभव का खजाना और एक नई खोज बी चैतन्य जो आपके बीच गा रही थी, ये इनके बारे में बता दो। ये पहली बार किसी मंच को शेयर किए गाने के लिए। हमारे बीच जितने भी गेस्ट बैठे हुए हैं, चूंकि समय हो रहा है तो मैं चाहूंगा कि हम सभी मिलके इन सभी गेस्टों का ऑनर करेंगे। सजी सर से मैं अनुरोध करता हूं, सजी सर से, कि आप सभी गेस्ट लोगों को चाहे मंच पे लाएं, अगर नहीं आ पा रहे हैं तो हम वहां भी कर सकते हैं, जैसा आप आदेश करें। सजी सर, सभी गेस्टों को। और मैं ए राजेश्वरी जी, हमारे इस क्षेत्र की महिला शक्ति का एक रूप है, जो कर्नाटक संगीत में महारत है, मैं ऐसे व्यक्तित्व को बुलाना चाहूंगा, जब ये सम्मान हो रहा हो तो अन्नमया संकीर्तनालु का एक गीत, निगमा और निगमा का गीत जो आपके बीच प्रस्तुत करने जा रहे हैं। मैं रमणी जी और ए राजश्री जी से अनुरोध करता हूं कि मंच पे आए।
सुरेशा जी हमारे बीच उपस्थित हुई हैं। मैं चाहूंगा जोरदार तालियां इनके लिए एक बार हो जाए। और सजीव सर से अनुरोध करता हूँ, कृपया मंच पे आ जाए। सजीव जी मंच पे आए, आइए सर। संजीव जी से अनुरोध करता हूँ, कृपया मंच पे आए और पेपर की लिस्टिंग लेकर। दिव्येंद्र हल्दर जी से भी अनुरोध करता हूँ कि वे मंच पर आए। मैं बताना चाहूंगा हमारे आज के जो गेस्ट थे और भी लोग हैं, मैं एसआर सेवलकर जी से बारे में बताना चाहूंगा। ये एम्स प्राचार्य जैन कला केंद्र के जिन्होंने छत्तीसगढ़ सितार वादन को प्रचलित किया, ऑल इंडिया रेडियो ग्रेडेड आर्टिस्ट, अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त कलाकार हैं, जिनके विद्यार्थियों ने छत्तीसगढ़ का नाम रोशन किया। कीर्ति व्यास जी आपके पास खड़े हुए हैं, भारत के विख्यात वायलिन वादक, प्रिंसिपल जैन कला केंद्र, रेडियो एवं दूरदर्शन के ख्याति प्राप्त अंतर्राष्ट्रीय कलाकार। इनके भी छात्र छात्राओं ने समूचे विश्व में ख्याति प्राप्त किया है। हमारे बीच राखी राय मैम भी बैठी है, जो कला के क्षेत्र से हैं। बुलाना चाहूँगा नृत्य भूषण, नृत्य विभूषण, नृत्य शिरोमणि सहित कई उपाधि से विभूषित मध्य प्रदेश एवं छत्तीसगढ़ की एक्सीलेंट लेडी की उपाधि से नवाजा गया था। दूरदर्शन की नृत्य निर्देशिका, देश एवं विदेशों में जिन्होंने कई नृत्य कार्यक्रम का निर्देशन किया। राखी राय मैडम से भी अनुरोध करता हूँ कि वो भी मंच पे आए। श्री अरविंदर सिंह खुराना जी भी उपस्थित हैं, मेरे दोस्त, मेरे भाई और एंजलरी इंडस्ट्री के प्रेसिडेंट। मैं अरविंदर खुराना जी से भी अनुरोध करता हूँ कि वे भी मंच पे आ जाएं। आदरणीय पवन केसवानी जी हमारे साथी भाई, एक लंबे समय तक हम मिलकर काम करते रहे। आदरणीय राजीव गोपीनाथ जी, सचिव रोटरी क्लब भिलाई, से भी अनुरोध करता हूँ कि मंच पे आए। आदरणीय श्री वीरेंद्र सत्यपति जी, भूतपूर्व CSP भिलाई, में इनके बारे में बताऊँ, ये जब अपने कार्य में थे, इन्होंने इस सर्विस सेक्टर में जो नाम कमाया है ईमानदारी का, वो हम सुनते आ रहे हैं बचपन से। आज सौभाग्य की बात है कि उनके साथ हम यहाँ पर खड़े हैं, वीरेंद्र सत्यपति जी। डॉक्टर अखिलेश यादव से भी अनुरोध है, वो भी मंच पे आए। प्रेसिडेंट ऑफ रोटरी क्लब अखिलेश जी, आदरणीय ए राजेश्वरी जी से भी अनुरोध करता हूँ कि वे भी मंच पे आए। आदरणीय विनय पीताम्बरम, वाइस प्रेसिडेंट SNG DS स्कूल, इन्होंने का भी बहुत अच्छा सहयोग रहा हमारे इस कार्यक्रम में, जो आज ये कार्यक्रम आप देख रहे हैं। और हमारे बीच हमारे बड़े भैया अक्कम नायडू जी भी उपस्थित हैं, उनसे भी अनुरोध करता हूँ कि मंच पे आए। और जोरदार तालियों के बीच नारी शक्ति के प्रतीक हम सुरेशा जी से भी अनुरोध करता हूँ, कृपया संजीव जी मंच पर सम्मान पूर्वक लेके आए। उनके साथ जो प्रोफेसर मैडम है, उनसे भी अनुरोध करता हूँ कि वो भी मंच पे आए। एक्चुअल में आज ये संगीत का कार्यक्रम था, हम लोगों ने प्रयास किया था कि संगीत को कंटिन्यू करें, लेकिन जब हमारे भी जितने दिग्गज लोग आए हैं, तो हम चाहेंगे कि इनका स्वागत हो, अभिनंदन हो। तो मैं सजी सर से अनुरोध करता हूँ, कृपया सॉल और श्रीफल से आज के हमारे अतिथि चिन्ना बी कांताराव से भी अनुरोध करता हूँ कि वो भी मंच पर आए। सबसे पहले मैं चाहूँगा SR सेवलेकर जी का, जो एम्स प्राचार्य जैन कला केंद्र, जिन्होंने छत्तीसगढ़ सितार वादन को प्रचलित किया, ऑल इंडिया रेडियो ग्रेडेड आर्टिस्ट, अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त कलाकार, जिनके विद्यार्थियों ने छत्तीसगढ़ का नाम रोशन किया, जोरदार तालियों से इनका हम सम्मान करते हैं। मैं अनुरोध करता हूँ सजीव सर से कि जल्द से जल्द आए। आपको बता दें, जब हम ये कार्यक्रम प्रारंभ कर रहे थे और राखी राय मैडम के घर गए थे, तो हम लोगों ने एक ही बात पूछा कि मैम संगीतमय कार्यक्रम कर रहे हैं और फर्स्ट ट्रिब्यूट है, प्रथम पुण्यतिथि है। तो इन्होंने एक बहुत अच्छी बात बोली कि भाई, अगर करना है अपन को, तो ऐसे दिग्गज गुणीजनों का अपन सम्मान करें, जिन्होंने छत्तीसगढ़ में संगीत को लेकर अपना एक स्थान बनाया है, जिनके कारण आज पूरे छत्तीसगढ़ में, चाहे वादन के क्षेत्र में, चाहे गायन के क्षेत्र में, चाहे नृत्य के क्षेत्र में, लोग आगे बढ़ रहे हैं। तो ये वो महारथी, वो पिल्लर, वो नींव है, जिनके कारण आज ये सारी प्रक्रियाएं हो पा रही हैं। चाहे पीछे बैठे हुए म्यूजिशियंस की बात करें, ये सामने गाने वाले गाने के जो गायकार थे उनकी बात करें, सारे लोग इनके शिष्य हैं। तो मैं सबसे पहले SR सेवलेकर जी का अभिनंदन करने के लिए बुलाऊंगा मैं SSU जी को, संजीत सोनी जी को, कि सॉल और श्रीफल से इनका स्वागत करें। चिन्ना बीकांतराव श्रीनिवास से भी अनुरोध करूंगा साथ साथ में रहें उनके। मैं कीर्ति व्यास सर के भी अभिनंदन के लिए सम्मान के बनाना चाहूंगा। ये भारत के विख्यात
वायलिन वादक है प्रिंसिपल थे जैन कला केंद्र के, रेडियो एवं दूरदर्शन के ख्याति प्राप्त अंतर्राष्ट्रीय कलाकार हैं। इनके भी लाखों हजारों छात्र जो छत्तीसगढ़ में इस संगीत को आगे बढ़ा रहे हैं, तो मैं इनके सम्मान के लिए भी श्रीनिवास जी और सजीव जी से अनुरोध करता हूँ कि आए सॉल और श्रीफल से इनका स्वागत करें। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर् विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर् साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। मैं इस मंच पे उपस्थित सभी गुरुओं को जिनके द्वारा मैंने कुछ सीखा उन्हें तहे दिल से धन्यवाद देती हूँ और इस मंच पे मंचासित सभी गुणियों को दिल से धन्यवाद देती हूँ और ख़ास तौर पे सुग्रीव जी को भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ इतने खूबसूरत आयोजन के लिए। सजीव भाई अब तो मेरे भाई हो, और सुरेशा मैम जो कि बहुत बहुत व्यस्त अपनी दिनचर्या के बीच हमारे बीच यह उपस्थित है, मैं उन्हें भी धन्यवाद देती हूँ। आपको भी मणि मेखला मैम, मैं सभी को तहे दिल से धन्यवाद देती हूँ। और अंत में दादा आज भी मैं पीछे बैठ के सबसे पहले आपको ही याद कर रही थी शंकरा वर्णम का जब गायन हो रहा था। थैंक यू मैम। मैं आदरणीय श्री दीपेंद्र हल्दर जी के स्वागत के लिए जो कि बता दूं गिनीज बुक सम्मान से सम्मानित है हमारे बीच उपस्थित, गीतांजलि सम्मान, सुरमणि सम्मान, सरस्वती सम्मान सहित अनेकों सम्मानों से नवाजा गया इन्हें। जोरदार तालियों के साथ इनका स्वागत करेंगे। बहुत बड़ी टीम है हमारी बोंगूस इंटरटेनमेंट्स की, बाकी लोगों से भी अनुरोध करता हूँ कि वो आए। और नारी शक्ति का प्रतीक फिर से बार बार इसलिए बोल रहा हूँ कि कला के क्षेत्र में, नृत्य के क्षेत्र में जिन्होंने एक नाम दिया छत्तीसगढ़ को, कई बच्चे इनके अच्छे अच्छे शोज में, बहुत जगह जॉब्स में, हर जगह इनके टैलेंट इनके द्वारा सिखाए बच्चे हर फील्ड में दिख रहे हैं। तो डॉक्टर राखी राय मैम का मैं सम्मान करने के लिए बुलाना चाहूँगा। संजीव सोनी जी, राखी राय मैम, बता दूं आपको राखी राय मैम नृत्य भूषण, नृत्य विभूषण, नृत्य शिरोमणि सहित कई उपाधि से विभूषित मध्य प्रदेश एवं छत्तीसगढ़ की एक्सीलेंट लेडी की उपाधि से नवाजा गया था। दूरदर्शन की नृत्य निर्देशिका, देश एवं विदेशों में जिन्होंने कई नृत्य कार्यक्रम का निर्देशन किया। और हमारे बीच जितने भी हमारे साथी भाई जो हमारे गेस्ट हैं आज के लिए, मैं खासतौर पर बात करूँगा सर सतपति जी की बात करूँगा। मैं सुना करता था सर के बारे में, आज रूबरू सामने में देख रहा हूँ तो बहुत अच्छा लग रहा है कि एक अच्छे व्यक्तित्व जो कि पुलिस प्रशासन, जो सरकारी सर्विस सेक्टर के एरिया में इन्होंने जो अपना कार्य कर दिखाया ईमानदारी से, वो हर कोई, तो सबसे पहले सतपति जी का स्वागत, तत्पश्चात जोरदार तालियां बजनी चाहिए क्योंकि महिला का अगर नाम आता है तो जोरदार। सुरेशा मैम के स्वागत के लिए मैं बुलाना चाहूंगा सजीव जी के लिए। रेशम जी सेंदोदेव आए, और आज के हमारे गेस्ट राजीव गोपीनाथ जी सचिव रोटरी क्लब भिलाई का पुष्प गुच्छ से स्वागत करें। मैं डॉक्टर अखिलेश यादव के स्वागत के लिए संतोष यादव को बुलाना चाहूंगा कि वे मंच पे आए। बलदेव सिंह से अनुरोध करता हूं कि तुरंत आए मंच पे। बलदेव सिंह मेरे भाई, अरविंदर सिंह खुराना के स्वागत के लिए मैं बुलाना चाहूंगा बलदेव सिंह से, अनुरोध करता हूं कि वे आए और पुष्प गुच्छ से। आप लोग समझ रहे होंगे कि ये जोड़ी बना दी आपने। हाँ जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद सुबीर भाई। जैसे कि मेरे को बताए हैं कि मैं उनका भाई हूँ, बिल्कुल भाई हूँ, बहुत लंबा सफ़र है हम लोग का। मैं अनुरोध करना चाहूँगा कि इन्होंने मेरा सम्मान किया है, सम्मान उन्होंने शब्दों में कर दिया, मैं उसका धन्यवाद करता हूँ। पर ये असली सम्मान मैं यहाँ पे कि जो पूरे ऑर्गेनाइजर्स और यहाँ पे बैठे हुए जितने कलाकार हैं, ये सम्मान उनके लिए है। मैं आप लोगों के लिए सम्मान देना चाहता हूँ सुभी भाई। मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे हमारे कलाकार उनमें से किसी एक को मैं ये पुष्प देना चाहता हूँ ताकि वो सबका सम्मान हो जाए। मैं आप सभी का धन्यवाद करता हूँ।
जोरदार तालियां जी पी पांडियन जी को कि वे आए का स्वागत करें। मैं ए राजेश्वरी जी के स्वागत के लिए बुलाना चाहूंगा, पी पापा राव का कि वे आए मंच पे। और श्रवण केसवानी जी के बारे में बताया, हम पिछले 15 साल से 20 सालों से एक साथ कार्य करते रहे। इनके मार्गदर्शन में मैंने बहुत सारी चीज़ें सीखी, क्योंकि समय कम है, लेकिन ये हमारे गुरु रूपी इंसान है जिन्होंने साथ में मिलकर काम करते रहे और इनका आशीर्वाद भी मिलता रहा। दोस्त भी है मेरे। मैं संक्षेप में बोलना चाहूँगा भाई सुग्रीव के लिए, हम लोगों ने हमारी एनजीओ जो प्रणाम है जो बॉडी डोनेशन के लिए लोगों को मोटिवेट करती है, अब जो पहला हमने बॉडी डोनेट करवाया था सिंगल परिवार का, आज 1040 की जो संख्या हुई है उसमें जो पहला करवाया था वो उसमें सुग्रीव भाई मेरे साथ थे अप्रैल 2008 में, आज से 13 साल पहले। तो नहीं पता ये संख्या आज 1040 कैसे हो गई। मैं चाहूँगा कि आप सुग्रीव भाई की ताली बजाएं, क्योंकि उन्होंने जो मोटिवेट किया था मुझे वो यात्रा आज तक चल रही है। थैंक यू भैया। जो फर्स्ट बॉडी डोनेशन था तो भैया ने प्लान किया था, हम लोग पूरा ग्रुप था, हम लोगों ने चालू किया, लेकिन 1000 बॉडी डोनेट हो जाएगी ये कल्पना में भी नहीं सोचे थे, कल्पना को साकार किया इन्होंने। जोरदार तालियां इनके लिए। अरविंदर जी सीनू जी का स्वागत करना चाहते हैं, क्योंकि सीनू भाई के लिए ये कार्यक्रम बहुत अहमियत रखता है। और अगर भैया से अनुरोध करता हूँ कि ए राजेश्वरी जी का पुष्प गुच्छ से स्वागत करें। हमारे बीच हमारे बड़े भैया, हमारे मार्गदर्शक और हमारे परिवार में आज मुखिया के रूप में है हमारे बड़े भैया कम नायडू जी, उनके स्वागत के लिए नरेंद्र हिरवानी जी से अनुरोध करता हूँ कि वे आए और पुष्प गुच्छ से स्वागत करें। प्रोफेसर बड़ी मेघा शुक्ला के लिए स्वागत के लिए मैं अनुरोध करता हूँ संतोष जी के, वो आए पुष्प गुच्छ से स्वागत करें। मैं चाह रहा हूँ कि जब ये स्वागत की घड़ी खत्म हो, जितने म्यूजिशियन है और जो ये संगतकार गुणी लोग बैठे हुए हैं, इतना शानदार ये संगत कर रहे हैं, इनके संगत के बिना ये गाने अधूरे रहेंगे। बहुत बहुत बढ़िया बजा रहा है, बहुत अच्छा बजा रहा है। थैंक यू वेरी मच, बधाई। एसपी बालासुब्रमण्यम जी ने क्लासिकल गीत के साथ साथ सेमी क्लासिकल वेस्टर्न गीत भी गाए। एक चीज और देखा गया कि वे एक समय ऐसा आया जब मोहम्मद रफी जी और मुकेश जी दिवंगत को प्राप्त कर लिए, तो उस समय कोई ऐसा कलाकार नहीं था जो इस प्रकार के गीतों को लेकर प्रेजेंट कर सके। किशोर कुमार जी के साथ उनका गाया हुआ एक गीत है जो बहुत प्रचलित है, और मैं एक ऐसी शख्सियत की बात करूंगा जो आज पूरे छत्तीसगढ़ में किशोर दा के नाम से जाने जाते हैं। हम तो कुछ और दा बोलते हैं, लेकिन वो है एक्चुअल में किशोर दा, और उन्होंने किशोर की आवाज को जिया है और किशोर की आवाज को समझा है। जब आप यहां से जब उनको सुनेंगे आप, तो आपको लगेगा किशोर दा किसी ना किसी रूप में इस मंच पर उपस्थित हुए हैं। और साथ में एक ऐसे व्यक्तित्व की बात करूंगा मैं, आज एसपी बालासुब्रमण्यम जी की प्रथम पुण्यतिथि है, उन्होंने एक बात कही 2 दिन पहले कि सुग्रीव भैया मुझे ऐसा लग रहा है कि जब हम गा रहे हैं ना, तो हमारे गानों का जो बेस निकल रहा है, ऐसा लग रहा है कहीं ना कहीं अभी एसपी जी हमारे बीच उपस्थित हैं। वो उनका शिष्य बना है और शिष्य है, तो उनके अंदर की आत्मा, उनके अंदर की बातें जो उन्होंने मुखात की, और मैंने भी महसूस किया कि उस पूरे एरिया में जितने लोग गाना गा रहे थे, कहीं ना कहीं एसपी बालासुब्रमण्यम का छोटा सा जो झलक है उनके गले में दिख रही थी। तो एक प्यारे से गीत को लेकर जहाँ पर किशोर कुमार और एसपी बालासुब्रमण्यम ने गीत को गाया, और जोरदार गीत है, मिलकर एंजॉय करते हैं। धन्यवाद।
जाम रहे, दिल को दीवानगी से काम रहे। ओ यार तुझको मेरी यारी की कसम, हमसे अब दोस्ती का नाम रहे। चलो अब झूम के मस्ती में ये आओ रे। देवोदा एकदम किशोर दादी के रहे आज, अब चुलबुले पन में। एक ऐसा गीत जो फिल्मी जगत में जब ये संगीत गूंजा तो पूरे इंडिया में संगीत की परिभाषा को ही चेंज कर दिया। वो संगीतकार थे, संगीत निर्देशक थे A.R. रहमान जी, गा रहे हैं उन सबके गुरु हैं। और ये प्यारा सा गीत, चूंकि उनको समय हो रहा है क्योंकि आज BSV में भी कार्यक्रम है, तो मैं जोरदार तालियों के बीच बुलाना चाहूंगा सर को। पहली बार नाम से बुलाऊंगा उल्लास सर जी, PT उल्लास सर जी से अनुरोध करता हूं कि इस गीत को लेकर आएंगे। तुझ भी तल से
फूल जो मिले वो शूल बन गए वो क्यों जी रहा इसलिए दिल में प्यार है तेरा जुल्म सह रहा क्यों इंतजार है तेरा तुमसे मिलेगा जान ही न जाए कयामत से पहले सामने तू आएगी कहाँ है तू कैसी है तू
गीत आपने सुना होगा, फिल्म हम आपके हैं कौन में भी। एसपी बालसुब्रमण्यम जी ने शैलेंद्र सिंह के साथ, उषा मंगेशकर के साथ भी गीत गाए। तो मैं चाहूँगा एक छोटी सी प्रस्तुति इन गीतों की आपके साथ चलते रहेगी। इसके बाद एक हम अच्छे से इंसिडेंट को आपसे शेयर करेंगे एसपी बालसुब्रमण्यम की, जो उनकी दिल की बातें थी आपके सामने रूबरू होंगे। लेकिन इस गीत को लेकर आ रहे हैं आपके बीच हमारे साथी कलाकार। Thank you.
संगीत में। चलिए एक अच्छा फास्ट गीत सुनते हैं, उसके बाद एस पी बालसुब्रमण्यम जी की कुछ बातों को हम शेयर करेंगे। आपको एक बार बता दें कि एस पी बालसुब्रमण्यम जी बचपन से संगीत तो सीखे नहीं थे, लेकिन मुझे लगा कि अगर आदमी की उम्र 100 साल भी अगर हो जाए तो 40,000 गाने नहीं गा सकते। इसका मतलब कैलकुलेशन में एक ही चीज आया कि पर डे 10 से 12 गाने वो रोज गाया करते थे, और उन्होंने अपना पूरा जीवन संगीत को दिया। और एक छोटी सी बात उन्होंने शेयर की कि बोले, मुझे अपने जीवन में एक चीज का सबसे बड़ा दुख होगा कि मैंने अपने जीवन काल में सरस्वती माता संगीत को साथ दिया, लेकिन मेरे बच्चे छोटे से बड़े कब हो गए, उनकी जीवन की प्रक्रिया, जीवन व्यापन कैसा हुआ, इसको मैं देख नहीं पाया। मुझे जीवन भर इस बात का दुख होगा कि मैंने संगीत के साथ तो न्याय किया लेकिन मैंने अपने बच्चों के साथ नहीं किया। लेकिन उनके बच्चे भी इस प्रकार से निकले, चाहे एसपी चरण की बात करें या प्रियंका की बात करें, तो अगर एसपी चरण को अगर हम सुनते हैं तो ऐसा लगता है कि नहीं, एसपी बालसुब्रमण्यम जी की आवाज़ आज भी यहाँ पर जिंदा है। ऐसे थे कलाकार। इसी प्रकार से परिस्थिति को कंटिन्यू करते हैं अगले गीत। Yeah.
तो भाई आरडी आरडी करते थे, मैं बोला एक ट्यून सुनाइए तो थोड़ा सा। मिंटू भाई कुछ ऐसा है क्या अपने पास? अच्छा हमारे यहाँ एक ऐसे ऐसे म्यूजिशियन भी बैठे हुए हैं वो जो एकदम छुपे रुस्तम है, और जब उसकी उनकी मुस्कुराहट और जो मस्ती देखते हैं हम, ये उपेंद्र भाई जी बैठे हैं यहाँ पे देख रहा हूँ, कॉमेडी करने में माहिर है, मतलब देखना चाहता हूँ कुछ एक कैसे झलक हो जाए आपकी तरफ से छोटी सी। अच्छा एक व्यक्ति और आप देख रहे होंगे, जब बाजार दिन की तरफ नजर थी, वो यहाँ के पूरे मतलब क्या बोलना चाहिए हीरो है यहाँ के, और जो पैर पे बजाते हैं ना उनकी जो स्टिक है वो देखने लायक होती है। कुछ हो जाए भैया, फिर से मुलाकात होगी। हमारे पास भोजू भाई हैं, भूपी भाई है, और हमारे अमित पॉल जी और राजा जी। अमित पॉल जी के बारे में बताऊं और इनकी टीम के बारे में बताऊं, छोटी सी बात बताऊं फिर अपन चालू करते हैं नए गीत को। भाभी जी हैं, अभी आपने पहला गाना सुना होगा, नीति भाभी जी आई थी और रोजा में जी ने गाया था, इनकी मिसेज है। हम लोग जब बैठ के प्रैक्टिस कर रहे थे उन्होंने ये कहा कि यहाँ प्रैक्टिस से 12 बजे घर जाते हैं और 2 बजे उठ जाते हैं, और 2 बजे उठ के फिर प्रैक्टिस, और उसके बाद एक पवन भाई के घर में इन लोग 4 लोगों की टोली बैठती थी। तो इन्होंने 5-6 दिन मेरे ख्याल से नींद नहीं लिया है, क्योंकि जितने गाने आप सुन रहे हैं ये पूरे गाने को इन्होंने, पूरा गाना इन्होंने इस पे ही तैयार किया है, इन 5 दिनों में ही तैयार किया है। तो मैं बोलना चाहिए एक बार जोरदार तालियां हो जाए इनके लिए। जब SP बालासुब्रमण्यम जी संगीत के कैरियर में आए तो उस समय संगीत तेलुगु संगीत साउथ के संगीत में घंटसाला जी का बहुत नाम था, मतलब हर जो बड़ा कलाकार था वो चाहता था कि वही उनके लिए गाना गाए, कि तेलुगु इंडस्ट्री को ये लग रहा था कि अगर किसी कारणवश घंटसाला जी अगर नहीं रहे तो उस समय इस इंडस्ट्री को कौन चलाएगा। तो घंटसाला जी ने अपने एक साक्षात्कार में कहा था, मैंने एक छोटे एक लड़के को देखा 20-21 साल के लड़के को, मुझे लगता है वो लड़का तेलुगु इंडस्ट्री को चला सकता है, और उसकी लाइफ 40 साल से ऊपर की होगी इंडस्ट्री में, और वाकई वो सही साबित हुआ। वो थे SP बालासुब्रमण्यम जी। SP बालासुब्रमण्यम जी जहाँ घंटसाला जी को सुना करते थे वहीं उन्होंने रफ़ी को बहुत फॉलो किया। जब वो कॉलेज जाया करते थे रास्ते पे रुक जाते थे, जहाँ एक रेडियो बजता था कॉलेज के सामने, तो रफ़ी जी के जब गाने बजते थे तो सुनते रहते थे। तो उनके गानों में बहुत बड़ी झलक है। उन्होंने कहा था एक अपने इंटरव्यू में कि अगर रफ़ी जी की मुझे एक दिन के लिए भी नौकरी मिल जाए तो मेरा जीवन सफल हो जाएगा, वो इतना मानते थे। और अच्छी बात मतलब बहुत ही दुखद बात ये रही कि अपने जीवन काल में वो रफ़ी जी से मिलते रह गए, केवल उनका पैर स्पर्श करके जा पाए, उनसे रूबरू नहीं हो पाई। ये इनका दुख था कि मैं आज तक रफ़ी से नहीं मिल पाया। लेकिन जब भी कोई कॉन्सर्ट होता, चाहे हेमंत कुमार जी का, चाहे लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी का, जहाँ भी कॉन्सर्ट होते थे उन कॉन्सर्ट में केवल वे रफ़ी के गाने को गाते थे। तो हमारी एक छोटी सा प्रयास है उनको ट्रिब्यूट देने के लिए रफ़ी जी के साथ में। मैं जोरदार तालियों के बीच हमारे कलाकारों को बुलाना चाहूँगा। आ 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
क्वेश्चन पूछ लूंगा कुछ भी कभी कुछ भी पूछते हैं कुछ भी करवाते हैं आज के दिन पर तो बहुत दुखद घटना थी ये, मतलब 4-5 दिन तक मोबाइल बंद किए हुए थे, फिर मैंने इनको फोन किया, फिर इन्होंने फोन किया, बोलता भैया बहुत मतलब एक दुख होता ना अंदर से, एहसास था, तो मैं इनको बुलाया, मैं बोला आओ। फिर हम लोगों ने ट्रिब्यूट किया इनको, एसपीजी को। इन्होंने एक ही चीज कहा कि भैया अगर हो ना कभी भी घूमने जाओ तो उनकी समाधि पे रूबरू तो नहीं हो पाया, मेरे दिल की बहुत बड़ी इच्छा थी, उनकी समाधि पर भी अगर खड़े होने का मौका मिलेगा तो लेके चलना। तो मैंने कमिटमेंट किया इस कार्यक्रम के बाद में जो भी टूर बनेगा मैं सिनू भाई को 100% हमारी संस्था की और सब लोग मिलने वहाँ वहाँ जाएंगे देखने के लिए। एक छोटी सी बात है सिनू भाई की, एक गाना है साथिया और उसको मैंने अलग अलग मूड में सुना है। मैं चाहता हूँ कि थोड़ा सा, क्यों म्यूजिशियन भाई लोग, मैं चाहता हूँ कि उसमें थोड़ा सा वेरिएशन हो गाने में, देखते हो कैसा लगता है।
ऐसे ही फंसाते हैं बीच में, कुछ नया नया सोचते हैं। मैं चाह रहा हूँ कि एक नया वेरिएशन हो, जब वो बेटी गाना गाएगी तो उस समय उसके लिए प्लेन देना, लेकिन आप थोड़ा डिफिकल्टी में रहना। तो एंजॉय करते हैं इस गीत को, तैयार हैं आप लोग? थोड़ा आवाज आ जाए तो अच्छा लगेगा। यस, सबसे पहले ज्यादा डिफिकल्टी तो वो एक्सपेरिमेंट है जो आप बोल रहे हो। मैं चाह रहा था कि एक सरगम हो जाए, एक अच्छी खासी सरगम हो जाए, तो सरगम के बाद अगर साथिया उठे, एक मेरी सोच है कि सरगम के बाद उठे तो अच्छा लगेगा। कोशिश यहाँ पर हमारे काफी आदरणीय गुरुजन यहाँ पर हम सभी को, और है भी जितने भी हमारे आदरणीय, हम सभी को मैं नमन करता हूँ सारे गुरुजनों को, और एक कोशिश। तदरी ना करना इतना मैंने किया है मुझे।
बता दूं ये जो बेटी गा रही थी मेरी बेटी है, और पहली बार ये मंच को शेयर कर रही है, और सर सामने से बताएंगे क्या कैसा लगा सर आपको। अच्छा अमित जी, इंडस्ट्री में साउथ इंडस्ट्री में जब एसपी बालसुब्रमण्यम गा रहे थे तो उस समय एक फिल्म थी एक दूजे के लिए, जब वो फिल्म अनाउंस्ड हुई तो उसके म्यूजिक डायरेक्टर ने, जो उनके डायरेक्टर थे, उन्होंने एक ही चीज़ कहा कि इस फिल्म में अगर कोई गाना गा सकता है तो एसपी बालसुब्रमण्यम जी हैं। तो जब उनको चुना गया तो लक्ष्मीकांत प्यारालाल जी का संगीत था उस मूवी में, तो उन्होंने एक ही चीज़ कहा कि बोले उनको गाने के पहले मुझे ऑडिशन लेना पड़ेगा, सुनना पड़ेगा, क्योंकि उस समय बहुत अच्छे उस दशक में एसपी बालसुब्रमण्यम का नाम चल रहा था साउथ में। जब वो आए, वो अपना गीत का ऑडिशन दिए, उनको लगा हाँ यार चलो सो हो सकता है, इनको गवाया जा सकता है। उतने पक्ष में नहीं थे इस गीत को गवाने के लिए, 1966 की बात है। जिसके बाद जब ये गीत फिल्म में, जो डायरेक्टर साहब ने एक ही चीज़ कहा, अगर एसपी बालसुब्रमण्यम जी अगर इस गाने को नहीं गाएंगे तो ये मूवी मैं नहीं करूँगा, उनकी भी जिद थी। तो जिद में जब ये गाना दिया गया तो वो गाना उस समय का राष्ट्रीय पुरस्कार को प्राप्त गाना था, और उसके बाद लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी ने कभी नहीं छोड़ा किसको, एसपी बालसुब्रमण्यम जी को। उन्होंने अपने के इंटरव्यू में कहा कि अगर गायकी की बात की जाए, अगर गायक की बात किया जाए तो आज के समय में जो सबसे अच्छा गायक है वो एसपी बालसुब्रमण्यम है, ये लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी के बोल थे। ऐसी फिल्म का ऐसा ही गीत लेकर हमारे साथी भाई, मैं बताना चाहूँगा सजी भाई का भी साथ हमारे साथ रहा, और आने वाले समय में बड़े इवेंट्स करने का चल रहा है, क्योंकि इनको शॉर्ट टर्म में बोला गया, लेकिन फिर भी इनका सहयोग इतना भारी रहा कि मैं इनका धन्यवाद करता हूं कि सजी भाई आपके सहयोग से भी इस कार्यक्रम को हम कर पा रहे हैं। सजी जी
ला रहे हैं कि हमारी एक वेटरन्स टीम है जो 35 साल प्लस के लोग क्रिकेट खेलते हैं। राव सर से अनुरोध करता हूं एक बार खड़े हो जाइए सर हमारे बीच। राव सर जी खड़े यहां पर होंगे मेरे ख्याल से। अच्छा और जगन्नाथ भैया भी यहां उपस्थित हैं, मैं भी चाहूंगा एक बार खड़े हो जाइए। हमेशा किसी न किसी प्रकार से हमारे साथ सहयोगी रहते हैं जगन्नाथ भैया। जिसमें सिरिसा करके एक बच्ची ने गाना गाया था, सिरिसा उनके परिचित हैं, उनके भैया हैं सुंदर राव जी आज हमारे बीच है। मैं चाहूंगा एक बार इनका इंट्रोड्यूस करा दूं। सन्मुख प्रिया, सिरिसा, ये सारे लोगों से इनके साथ गाने बहुत सारे स्टेज शो किए हैं, तो हमारा सौभाग्य है कि आज हमारे बीच ये व्यक्तित्व तो है। एक प्यारे से गीत को लेकर, वो गीत इतना ज्यादा हिट हुआ था हिंदी में और उतना ही ज्यादा तेलुगु में हिट हुआ था। हिंदी में इसे कुमार सानू ने गाया था और तेलुगु में एसपी बालसुब्रमण्यम, तो दोनों आवाजों को लेकर हमारे बीच दो कलाकार। बाकी आप स्क्रीन में देख लेंगे कि दोनों के नाम चलपति भैया और श्याम सुंदर भैया। जोरदार तालियों के बीच ये गीत। शतजन्म बंगारम चढ़ो तुम्हें
हमारे भाई चिन्ना केसोली जी भी हमें चाहूंगा एक बार खड़े हो जाए से हमारे साथ है हमारे पारिवारिक मित्र चिन्ना केसोली जी भी उपस्थित हैं और मैं चाहूंगा ये जो गीत है ये जब हम गीत उठा रहे थे हमारे परिचित अब एक एक हमसे परिचय हुआ टोनी भाई का और वो परिचय ऐसा लगता है कि बहुत लंबे समय से परिचय हमारा उनका व्यवहार उनके स्वभाव से और इस गाने के लिए शुभकामनाएं देता हूँ कि भैया इस गाने को वैसे निभाए और अमित जी को भी बहुत शुभकामनाएं देता हूँ कि जो आपने तैयारी की है वो सफल हो प्रेमा जी
जितने संगीत प्रेमियों से अनुरोध करूंगा कि कार्यक्रम को पूरा कर एंजॉय करेंगे, थोड़ा सा और समय देंगे तो अच्छे अच्छे गीत हैं, और जिस प्रकार से आप सहयोग कर रहे हैं गीतों के माध्यम से सुनकर बहुत अच्छा लग रहा है। हमारी मैनेजमेंट टीम को भी मैं धन्यवाद करूंगा, बी पापा राव, बी कांता राव, संजीव सोनी, भानु भगत, बलदेव सिंह, संतोष यादव, नरेंद्र हिरवानी जी, सागर चावड़ा जी, राजेश चौधरी जी, राजेंद्र चौधरी जी, जीपी पंडन, राजदीप हिरवानी, प्रमोद कुमार, गुलशन चंद्राकर। और आपको बताऊं, जो आप स्क्रीन में जो पूरा विजुअल देख रहे हैं वो केवल एक दिन में डिज़ाइन किया है बी जतिन ने, जो मेरा बेटा है। एक्चुअल में हैदराबाद में पढ़ रहा था, उसको स्पेशली बुलाया, जबकि इसके कोर्स की चीज़ें नहीं है, लेकिन उन्होंने मेहनत किया और कल रात और आज पूरा दिन लगा के इस वीडियो को पूरा तैयार किया। तो बेटे जतिन को बहुत सारा प्यार और आशीर्वाद, और ऐसे ही सिलसिले चलते रहेंगे। तो चलो चलते हैं अपन थोड़े से फास्ट मूड की ओर, साउथ की ओर। कैसे चला जाए साउथ की ओर? कितने साउथ इंडियन है अभी यहाँ पे? अरे बहुत संख्या बहुत दिख रही है, तो थोड़ा झूमते हैं साउथ के गाने के साथ में। चलिए I'm
एक ऐसा गीत जो कि उस समय 1980-70 के दशक में उन्होंने बहुत धूम मचाया था, उसी गीत को लेकर आ रहे हैं। चूंकि समय बढ़ रहा है तो अपन चाह रहे हैं गीतों को फास्ट लेते जाएं, अब गानों का एंजॉय करें, अपन बातें तो करते रहेंगे जिंदगी भर। तो सत्यम शिवम सुंदरम हरे राम हरे कृष्ण दिल ही तो है आशिक बहार का तेरे मेरे सपने तेरे घर के सामने आमने सामने शादी के बाद शादी के बाद सत्यम शिवम सुंदरम सत्यम शिवम सुंदरम मेरे जीवन साथी जाती जिए कैसे हाय
तुझे जिए तो जिए कैसे हाय बिन आपके Thank you.
पढ़ा करते थे 10वीं 11वीं 12वीं में, तो हम जब ऑर्केस्ट्रास का अच्छा माहौल था, ज्योति ऑर्केस्ट्रा, इम्पा ऑर्केस्ट्रा, ऐसे ऑर्केस्ट्रा के बहुत माहौल थे, तो एक व्यक्ति थे और जिनको सुनने के लिए लोग वहाँ जाया करते थे, और किस्मत की बात है कि आज हमारे साथ हमारे मैनेजमेंट टीम में शामिल हैं। तो किशोर कुमार की आवाज़ में एसपी सब बालसुब्रमण्यम के गीत को डेडिकेट करने जा रहे हैं हमारे भाई देवूदा जी। तो मैं जाऊंगा स्टाइल से आएंगे सर वहाँ से, तब मजा आएगा थोड़ा देखने में। तो ये गीत लेके आ रहे हैं आपके पास। एसपी जी की आवाज को कैसे मैच किए, एक दूजे के लिए फर्स्ट लव लेटर आई लव यू, उसके बाद मैंने प्यार किया, हम आपके हैं कौन, जितनी पिक्चरें बनी जहां पर प्यार का इजहार करना था, तो उस गाने के लिए एसपी बालसुब्रमण्यम जी परफेक्ट थे। वो हिंदी फिल्मी गाने के साथ साथ धार्मिक गीत, देशभक्ति गीत, इस प्रकार के गीत गाते रहे। तो एक देशभक्ति गीत, तेलुगु गीत, जो कि उस समय एनटी रामाराव जी के जमाने में वो गीत बहुत तरीके से फेमस हुआ था। तो मैं चाह रहा हूँ कि सीनू भाई से मैंने आग्रह किया था कि अगर ये प्रोग्राम होता है एसपी जी का, तो ये देशभक्ति गीत जरूर रखना। इस देशभक्ति गीत के जो बोल हैं, खत्म होने के बाद में कुछ कुछ बोल की लाइन बताऊंगा, बहुत डेप्थ से लिखी गई है लाइन। तो ऐसे गीत को लेकर आ रहे हैं हमारे बीच श्रीनिवास जी। ये गीत उन लोगों के लिए, मैं चाहूंगा जितने भी संगीत प्रेमी श्रोतागण यहाँ बैठे हैं,
समय तो हो गया है, लेकिन फिर भी आप जो इस प्रकार से बैठ के गीत का आनंद ले रहे हैं, तो कला तो दिख रही है यहाँ पर, आर्ट दिख रहा है। और कार्यक्रम 45 मिनट लेट चालू हुआ इसलिए, नहीं तो अभी तक के ख़त्म के समाप्ति की घोषणा होती, लेकिन अंतिम तक अगर बैठेंगे तो कुछ भावनात्मक चीज़ें आपको यहाँ पर दिखेंगी और उन गीतों से आप भावुक होंगे। थोड़ा सा इंतजार करेंगे, अगर बैठते हैं सभी लोग जितने भी हमारे संगीत प्रेमी हैं तो इस कार्यक्रम का आनंद ले पाएंगे। जन्मभूमि सा स्वर्गादपि गरीयसि, स्वर्गादपि गरीयसि, ये तल्लि निनु कन्नदो, ये तल्लि निनु कन्नदो, आ तल्लि ने कन्न भूमि को पतिरा जय है।
में आ गए होते। गाना था नहीं एसपी का लेकिन बच गए। अच्छा हमारी जो मेडली टीम है ना, जो मेडली गा रही है वो प्लीज आ जाए इस तरफ, पूरी मेडली टीम। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अब ये जो गीत था, इस गीत के बोल आपको बताता हूं। अभी तक तो मैं गीत के बोल कलाकारों का नाम नहीं ले रहा था। हम तुम दोनों जब मिल जाएंगे, इसके बाद एक धमाका है मेडली गीतों का। जितने भी यहां पर हमारे मैनेजमेंट टीम के लोग हैं उन्होंने एक मेडली तैयार की है, तो इसके बाद उस मेडली के लिए तैयार हो जाए। तो ये गीत को लेकर आपके बीच हमारे कलाकार। हम तुम दोनों जब मिल जाएंगे, हम तुम दोनों जब मिल जाएंगे, एक नया इतिहास बनाएंगे। अगर हम ना मिल पाए तो, और अगर हम ना मिल पाए तो
तो मेडली के जितने कलाकार हैं उनसे अनुरोध करता हूं मंच पे आ जाएं। इसके बाद एक अंतिम प्रस्तुति होगी, श्रद्धांजलि होगी। उसकी नजर पलकों के चुंबन से मुझे देखती, उसकी नजर उसकी हया अपनी ही चाहत का ना खोलती, उसकी हया झुकिए करे जो ऐसा मेरा प्यार तू है मेरी।
मिलते हैं मिलते हैं कहा मुझे प्यार हो गया। मन्ना है प्यार का इरादा है और एक वादा है जानम तुमसे मिलने की तमन्ना है प्यार का इरादा है और एक वादा है जानम। एक दूजे के लिए कुर्बानी हम देंगे नदिया के पार है प्यार की मंजिल कभी तो शबनम लगती है कभी चिंगारी लगती है कभी तो नागिन लगती है कभी तो जोगन लगती है। तू जो अच्छा समझे ये तुझ पे छोड़ा है किसी ये मैंने जीवन का नाता तोड़ा है। तुम से एक प्यार हुआ
जिंदगी में पहली बार हुआ है तुमसे जो देखते ही प्यार हुआ, जिंदगी में पहली बार हुआ। तुम इतने दिन की कहाँ मैं ढूंढता ही रहा, कहाँ कभी लंदन रोड कभी लार्डन रोड कभी चार्डन रोड कभी पैडल रोड, तुमसे जो देखते ही प्यार हुआ जिंदगी में पहली बार हुआ। तुम इतने दिन की कहाँ मैं ढूंढता ही रहा। वैसे ही इतनी हंसी हो मेकअप ना लगाया करो भाभी, वैसे ही इतनी हंसी हो भाभी मेकअप ना लगाया करो, ब्यूटी पार्लर में जाके ब्यूटी पार्लर में जाके वो क्यों ना गवाया करो, जवानी ला 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 भैया आपको बोल रहे हैं पैसा बचाने के लिए, ये एक संदेश है। हर वो ब्यूटी पार्लर में जो भी महिला जाती, महिलाएं वास्तविक रूप से सुंदर होती हैं फिर भी उनको कॉन्फिडेंस थोड़ा कम रहता है, तो उसी से भैया लोग थोड़ा डिस्टर्ब हो जाते हैं। दिल दे के दर्द मोहब्बत लिया है, सोच समझ के ये सारा किया है मैंने, ओ मैंने कि मैंने प्यार किया प्यार किया प्यार किया है मैंने प्यार किया प्यार किया प्यार किया है। भी करनी पड़ेगी ये चांद सूरज भी छोड़े चमकना, मुश्किल है मेरे इरादे बदलना, ये मैंने ये मैंने ये मैंने प्यार किया प्यार किया प्यार किया मैंने प्यार किया प्यार किया प्यार किया है। मैंने प्रेमिंचा 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 मैंने प्रेमिंचा 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 यंदा पार दिना याद रहना यंदा पार गया तोड़िया। एक ये रात ये दूरी बस अंतिम अंतिम पड़ाव पे है, अपन कंटिन्यू करके खत्म कार्यक्रम की समाप्ति घोषणा करेंगे। ये रात और ये दूरी तेरा मिलना है जरूरी, ये रात और ये दूरी तेरा मिलना है जरूरी, के दिल मेरा धक धक डोले दीवाना लिए जाए, के दिल मेरा धक धक डोले दीवाना लिए जाए, ये रात और ये दूरी तेरा मिलना है जरूरी, ये रात और ये दूरी तेरा मिलना है जरूरी, के दिल मेरा के दिल मेरा धक धक डोले दीवाना लिए जाए चुकले, के दिल मेरा धक धक डोले दीवाना लिए जाए चुकले, ये रात और ये कहना चाहूं तुमसे, तुमसे मैं कितनी बात
कितनी पापी है कितनी पापे तू छत पर बता भी जा झलक दिखला भी जा तू छत पर बता भी जा झलक दिखला भी जा जी, आप लोगों ने जो बोला वो कर दिखाया,
और आपकी मेहनत को मैं समझ इसलिए सकता हूँ कि संगीत फील्ड से जुड़ा जरूर हूँ, लेकिन मैंने देखा कि इन 3-4-5 दिनों में 27 से 28 गाने नहीं, पूरे 45 गाने, 45 गानों की तैयारी इन्होंने की और पूरे गाने वो बहुत अच्छे ढंग से निभाया। हमारी पूरी संस्था हाथ जोड़ के आपसे आभार करती है और ये करते कि जैसे आपने वर्क किया भगवान आपको तरक्की दे और इसी प्रकार से आप आगे बढ़ते रहें। सबसे पहले हमारे पैर पे दुर्गा जी, जोरदार तालियां के लिए दुर्गा सिंह चौहान जी। और जब से मैं इनको देख रहा हूँ, जिस दिन से आए हैं तो एकदम जब पैड बजाते रहते हैं तो इधर से पवन जी बोले, भूपेंद्र जी बोले, मस्ती मजाक करते रहते हैं लेकिन ये अपने धुन में लगे रहते हैं। पवन सिंह जी, इनके लिए जोरदार तालियां। और दुर्गा हो गया। अच्छा, हमारे दिखते एकदम सीधे साधे अपने उपेंद्र जी, ये बहुत बड़े कॉमेडियन है अंदर से, जिनकी मस्ती अलग से दिखती है। पवन सिंह का, पवन का हो गया भाई। अच्छा, पवन और दुर्गा साथ में, पवन दुर्गा। और ये भूपी भाई, इनको दो गाने एक्स्ट्रा मिल गए थे, इन्होंने बजाया संकरा भरनामा और क्लासिकल सॉन्ग के लिए, जोरदार इनके लिए तालियां। और इस टीम के लिए हम लोगों ने एक जन को कप्तान नियुक्त किया था और कप्तान ने मैच जीत लिया, हमारे हिसाब से ये मैच को जीत लिया है। अमित पॉल जी, बहुत बहुत आभार करते हैं आपका, बहुत बहुत आभार करते हैं। राजा जय, बहुत लंबे समय से इनको मैं जान रहा हूँ, कीबोर्ड पे इनका बखूबी साथ दिया, बीच बीच में नोक झोंक हुई लेकिन उन्होंने सीनियर और जूनियर का जो दायित्व होता है उसको निभाते हुए इस कार्यक्रम को बहुत अच्छे तरीके से लेके आए, इसके लिए धन्यवाद। अच्छा, ये हमारे भाई साहब आशुतोष जी, पंचम दा मतलब इनको जब बोला जाए तो पंचम मतलब एक अलग ही लोग, इनको भी बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारे मिंटू भाई, मैं इनको बोला था स्टेज में बस अपना मुस्कुराते रहो, स्टेज की सुंदरता ऐसे ही बढ़ जाएगी, बहुत सुंदर स्माइल के साथ मिंटू जी। और आपकी पूरी टीम को भी यार ढेर सारा आशीर्वाद। हाँ, अच्छा, आप सीनू भैया की बात बताता, मेरे बारे में नहीं बता रहे क्या कुछ? अच्छा, टेंशन आप दिए। जब हम लोगों ने टीम डिसाइड की तो मैंने सीनू भैया को बोला, मेरा पूरा भिलाई परिचय है, आपका भी भिलाई परिचय है, पूरे म्यूजिशियन लोग आपके दोस्त हैं, तो पूरी टीम का डिसाइड किया और भी सारे प्लेयर अच्छे हैं लेकिन हम लोगों ने डिसाइड किया क्योंकि हमारे जो संबंध किसी न किसी प्रकार से एक साथ था पूरे म्यूजिशियन के साथ में, तो जब टीम का निर्धारण किए तो हमने पहले कप्तान को चुना, कप्तान के बाद फिर सीनू भाई ने ऐसे देखे कि पैरिट्स पे कौन अच्छा है, फिर गिटार पे कौन अच्छा है, बेस गिटार पे, तो एक कैलकुलेशन करने के बाद जो हम लोगों ने प्लान किया, मुझे ये लगता है कि वो 100% हम भी सही है और इसमें सीनू भाई का बहुत बड़ा हाथ है। और ये जो पूरा प्रोग्राम डिज़ाइन किया, मैंने फिर से बताया कि 2020 में जो घटना हुई, सुनी के भाव को देखा मैंने, पैसा कोई मायने रखता नहीं है लेकिन ये जो समय है, ये जो इवेंट है, ये जो चल रहा है, ये करोड़ों से कम नहीं होता, उसको हमारी बोंगोस एंटरटेनमेंट की टीम ने पाया है। आज हमने साउंड में मिलू जी को पहली बार पाया और बहुत अच्छा लगा। मिलू भाई, ऐसे ही अब आगे बढ़ते रहें, जैसा सुना था वैसा रिजल्ट है आपका। मंच पे आजा मिलू भाई, लास्ट गाना है, हम लोग सब मिलके इसको एंजॉय करें। मिलू भाई, संतोष भाई और भाई को बुलाओ, उनका नाम भूल जाता हूँ बार बार, मेरा कोई ऐसा अधिकार नहीं बनता लेकिन उन्होंने अपने रोल को बखूबी निभाया, बहुत अच्छा लगा संजय भैया। और इसी प्रकार से हम जब मिलजुल के काम करेंगे, वैसे ही हमारे साथीगण जेपी पंडियन जी, ये हमसे फिलहाल बहुत कम समय में मिले हैं लेकिन इनका प्यार और इनका जो स्वभाव है हमसे मैच कर गया और ये आज किसी न किसी प्रकार से बहुत बड़ा सहयोग रहा है इनका। राजेंद्र चौधरी जी मेरे दोस्त, ये भी सवेरे से डटे रहे। और भानु प्रताप जी, ये 4-6-7 दिनों से कंटिन्यू लगे हुए मेरे साथ, थैंक यू भाई। और संतोष यादव, ये मेरे स्टूडेंट भी रहे हैं और आर्मी रिटायर्ड हैं और आने वाले समय में मेरे ख्याल से अच्छे पोस्ट पे जाने वाले हैं। और चंद्राकर भैया हमारे घर के सामने, ये 4 बार MA है, अगर परिवार का साथ थोड़ा अलग होता, अगर ये सिर्फ केवल पढ़ाई में ध्यान किया तो आज कलेक्टर होते, इतने पढ़े लिखे व्यक्ति और बहुत ही सरल स्वभाव के व्यक्ति हैं जो हमारे साथ आज जुड़े। राजदीप, ये राजदीप नरेंद्र हिरवानी के बेटे का बेटा और यूथ है, अरिजीत सिंह की आवाज़ बहुत अच्छी गाता है, अगले बार अरिजीत सिंह का शो होगा तो सामने आएगा। इनके पापा को बुला लो भैया, आ जाओ बाप बेटे। ये तो क्वेश्चन आंसर उठा था कि बाप और बेटा कौन है,
तो उसका आंसर नहीं मिला, बोले दोनों भाई है ये नरेंद्र भैया, छोटा छोटा भाई लग रहा बोले, तो ये भी भैया इनका भी बहुत सहयोग रहा। और आ जाते पंडित, अच्छा चिन्ना, अरे छोटा भाई मेरा चिन्ना भी कांता राव, और ये मेरा छोटा भाई है, और पूरे कार्यक्रमों में बिना बोले अगर मान लो ये सामान लाना है या चाय लाना है या बिस्किट खिलाना है, मतलब इनके मन में ये नहीं था कि बहुत नीचे स्तर से काम कर रहे हैं, इनके मन में ये था इस कार्यक्रम को सक्सेस करना है। ये भाई का भी साथ वैसे ही रहा, बलदेव सिंह, ये और ये दोनों बचपन से भाई दोस्त हैं, ये मतलब ऐसा है कि रिश्ते में हम लोग मतलब बोलना चाहिए कि अलग अलग जगह पैदा जरूर हुए खून, लेकिन एक भाई के समान है, बचपन से एक साथ रह रहे हैं। और एक जो सबसे बड़ा सहयोगी हमारे बीच रहा, जो मेरे साथ हमेशा रहता है हमारे सुख दुख में हर जगह, संजीत सोनी जी, मैं जोरदार इनके लिए तालियां चाहूँगा। ये अगर मेरे से 100 गाली सुनता है तो 10 शाबाशी सुनता है बस, फिर भी ये बढ़िया काम करते रहता है, बहुत अच्छी बात है संजीत, थैंक यू। आ जाओ अब, ये मेरा बेटा जतिन, इसको जब मैं बोला कि वीडियो बनाना है तो ये गोल मार के आ गया कॉलेज से, मेरे ख्याल से उसका क्लासेस चल रहा है, मैं पूछा बेटा आ सकता है कि हाँ डैडी आ जाऊंगा बोलता है, तो आया और उसने मेहनत जो की, मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूँ जो पीछे का विजुअल था कैसा लगा, ये पूरे कॉन्सेप्ट को इसने एक दिन में डिजाइन किया, 27 गाने को एक कंप्यूटर में बैठ के डिजाइन करना, मैं भी कंप्यूटर फील्ड से हूँ, बड़ी बात होती है, ये कर दिखाया, एक शुरुआत है बेटा, इसको बड़ी चीज मत मानना लेकिन चलते चलना आगे और सक्सेस रहेगा। सागर चावड़ा जी एक बार मंच पे आ जाइए सागर, कि सुग्रीव जी के लिए आप सबकी तरफ से बिग राउंड ऑफ अप्लॉज। ये प्रोग्राम के लिए मैंने करीब 2 महीने पहले सोच के रखा था, और 30th अगस्त को मेरी मैरिज एनिवर्सरी थी, मैं फैमिली के साथ जा रहा था, सुग्रीव भाई का फ़ोन आता है, सर SNG का हॉल बुक करना है, मैं बोला कब करना है, बोले कि 25 सितंबर, मैं बोला क्यों, SP करना चाहते हो, बोले हाँ, मैं बोला अच्छा ठीक है, इन्होंने तुरंत पूछा आप भी कर रहे हो क्या, मैं बोला मैं सोच के तो रखा हूँ, ब्लॉक किया हूँ, तो ये बोले चलो मिल के करते हैं, इस तरीके से ये आज ये प्रोग्राम हुआ है। मैं बैकफुट में आया, इनका प्रोग्राम सुना, इनकी आइडियाज सुने, तो मैं इतना इम्प्रेस हुआ कि मैं बोला कि भाई आप आगे बढ़ो, मैं आपके साथ हूँ। इस तरीके से आज ये प्रोग्राम सफल हुआ है, और आगे भी हम लोग मिलके इस कार्यक्रम को हर साल करते रहेंगे। बहुत बहुत शुभकामनाएं, कोई एक प्रयासरत आदमी होता है उसी की वजह से कोई कार्यक्रम हो पाता है। भिलाई में संदीप भाई है, बहुत सारे लोग हैं जो अलग अलग प्रोग्राम्स को करते हैं, मैं सबके लिए सैल्यूट करता हूं, क्योंकि इन लोगों का प्रयास ही है जो हमारे बीच आज किशोरदा हैं, रफ़ी साहब हैं, मुकेश जी हैं, हमारे बीच में शाहिद भाई बैठे हैं, पिछले 18-20 साल से शाहिद भाई कर रहे हैं, आज हमारे बीच में इकबाल ओबराय साहब नहीं है लेकिन उनके एंकर, बहुत ही सुप्रसिद्ध एंकर बैठे हुए हैं, हमारे बीच से देबू भाई चले जा चुके हैं, इम्पा ऑर्केस्ट्रा जो कि 37 साल से रफी देबू सर हैं, तो ऐसे कई व्यक्तित्व हैं जो भिलाई में हमारे बीच हमारे आदरणीय हमारे पूजनीय गायकों को जीवित रखे हैं हमारे दिलों में, इन सब के लिए मैं सलाम करता हूँ कि ये जो प्रोग्राम करते हैं हर साल, और भिलाई में जो कि एक मिनी इंडिया के रूप में प्रसिद्ध है, हर कलाकार को हम यहाँ से श्रद्धांजलि देते हैं, एक ट्रिब्यूट देते हैं और उनको जीवित रखते हैं अपने दिलों में, थैंक यू। इस कड़ी में सुग्रीव भाई भी आए, इनको बहुत बहुत बधाइयाँ हैं, आगे और अच्छा अच्छा काम करते रहें। साहिद भाई सॉरी, जोरदार तालियां साहिद भाई के लिए। मैं जब भी जैसे भोले भोले गाने में अगर पहुंच गया, एक दो बार मेरे साथ ऐसा हुआ कि माइक लाके मेरे को दे देते, याद रहेगा जीवन भर वो सारी चीजें। सीमा भाभी को भी भूल गए थे। सच मेरे यार है, बस वही प्यार है, जिसके बदले में कोई तो प्यार दे, बाकी बेकार है यार मेरे, यार मेरे,
हाथ की क्या बात है, क्या पास है, क्या मंजिल है, कि हम सफर गर साथ है, जिसकी किस्मत कोई यूं सवार दे वही दिलदार है। उसके रेज जब तक आती है तो एक मैसेज जो आता है वो मैसेज मुझे मिला और उस मैसेज को पूरा करने की कोशिश की और ये प्यारा सा गीत जतिन से अनुरोध है कि वो वीडियो अंतर्यामी वाला। पीछे काफी सारी टेक्निकल टीम होती है, म्यूजिशियन, सिंगर्स, उनके अलावा काफी सारे लोग होते हैं, उनके चाहने वाले, उनके वेल विशर, कई सारे ऐसे हैं जिनकी ब्लेसिंग के बगैर नहीं हो सकता। और सबसे बड़ी बात है इसको करने के लिए, कोई भी शो को ऑर्गेनाइज करने के लिए सबसे जो इम्पोर्टेंट है वो है जो डायरेक्टर होता है, जो फाइनेंसर होता है, जो प्रोड्यूसर होता है, वो बहुत मायने रखते हैं। तो मैं चाहूँगा कि एक बार सुग्रीव जी के लिए ज़ोरदार ताली चाहूँगा। अगर इस शो के बगैर, मतलब उनके बगैर ये शो हो नहीं सकता। हम तो कलाकारी सालों से कर रहे हैं, जब तक कोई प्रोड्यूस ना करे किसी भी चीज़ को, कोई भी कला को, कला को आधार देने वाला काफ़ी ज़रूरत है। कलाकार बहुत हैं लेकिन उनको कहीं ना कहीं ये सारी चीज़ें नहीं मिल पाती, सर नहीं मिल पाता। और दोस्तों कोई भी अगर ऐसा है तो प्लीज़ उन सभी से अनुरोध है, अगर आपके पास पैसे हैं तो कला को महत्व दीजिएगा, यही मेरी अपील है आप सब से। और मैं चाहूँगा कि उनके लिए जोरदार ताली। चलो ये गाना स्टार्ट हो, श्रद्धांजलि दें, उसके पहले कोई भी कार्यक्रम बिना ऑडियंस के सक्सेस नहीं होता।
और इस कार्यक्रम के जो भगवान जो देवता वो आप लोग हैं, आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद कि इस कार्यक्रम को पूरा के बावजूद भी कुछ फैमिली यहाँ पर बैठी हुई है, कार्यक्रम को एंजॉय कर रही है, तो एक्चुअल वो संगीत को समझती है। आप सभी का धन्यवाद करते हैं और ये अंतिम श्रद्धा बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का सभी का।
झूमे जमीन झूमे गगन तेरे लिए होके मगन, खिलते रहे सपने तेरे, महका रहे दिल का चमन, जिंदगी तुझको ऐसी बहार दे, दिल की पुकार है।